So this is a very important paper solution of SSJU PhD entrance, right? Shobhan Singh Jinnah University PhD entrance English paper. Very important. Okay. So this paper was conducted on 15th of January 2023. So we have got 70 questions here. And in this paper, students, I solved it yesterday and the paper was moderate. Some of the questions, most of the questions we have studied, but some questions they have asked were new, and also some of the questions, one or two questions maybe, some spelling mistakes were there. So I request all of you, those who are seeing this video, because question paper is available with you in the PDF format, so you can keep on seeing the question paper as and when I am trying to solve the questions. You see the question paper in front of you. Keep the question paper in front of you. Okay, so let us start with the first question. The first question is, who is known as the prose Shakespeare? So very easy answer, guys. The answer is Thomas Heywood. The answer is, the first option answer is Thomas Heywood. But very importantly, keep on looking for the explanations also. I will give you the explanations, which are very important. So Thomas Heywood, this is called as prose Shakespeare by Charles Lamb. Okay, very important. So who called Thomas Heywood as prose Shakespeare? Charles Lamb. Now, there is another point here. As I have told you, I have researched a lot yesterday. So can anyone, guess in the offline, online class, that who was also called as prose Shakespeare other than Heywood? Can anyone guess? Prose Shakespeare ek to yahi the, Heywood. Inke alawa aur kisi ko bhi kaha gaya hai? Nahi, Ben Jonson nahi hai. Main answer bata raha hu, Jane Austen. Bahut important one. Jane Austen ko bhi prose Shakespeare kaha jata hai. Ye note kar lena, theek hai? Jane Austen is also called as prose Shakespeare. फाइव स्टार क्वेश्चन है, पक्का एंटी लेक्चरर नेट में पूछेगा, यहाँ पर फाइव स्टार ठोक देना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइव स्टार, ये भी ऑप्शन में हेवुड नहीं होगा तो तुम लोग कंफ्यूज करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में हेवुड के अलावा जो है जेन ऑस्टन को भी कहा जाता है, और कहा किसने ये भी बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ आज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे बच्चे जो है इस पेपर को ध्यान से, बहुत सारी चीज है, 19th century क्रिटिक्स ने कहा है, 19th century क्रिटिक्स ने जेन ऑस्टन को प्रोज शेक्सपियर का है, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थॉमस हेवुड को चार्ल्स लैम ने कहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डील्स विद, ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 मिनट का डिस्कशन करूंगा सारे बच्चे मेरे साथ। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। देखिए ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, हम लोग जानते हैं कि जॉन बनियन ने लिखा है, और इसका जो अभी आंसर बताने से पहले कुछ और पॉइंट्स किए हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया? 1678 में आया, ठीक है, दो पार्ट्स में आया पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फर्स्ट पार्ट 1678, और जो सेकंड एडिशन है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, सेकंड एडिशन के बारे में पूछा है, दैट केम इन द ईयर 1684, नोट कर लेंगे सब साथ ही, 1684 में सेकेंड एडिशन आया है इसका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है कि सेकंड पार्ट ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डील्स विद, और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर है साथियों, इट डील्स विद डी ऑप्शन अगेन, पिलग्रिमेज ऑफ क्रिश्चियंस वाइफ एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू सालवेज, ठीक है, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जो सेकेंड पार्ट है उसमें उसकी वाइफ भी जाती है उस प्रोग्रेस उस जर्नी में, और साथ साथ उसके कितने चिल्ड्रन है ये बता रहा हूँ, ऑप्शन में दिए नहीं है, 4 सन्स हैं, नोट कर लेना कितने हैं, 4 सन्स, ऑप्शन में दिया नहीं है, खाली चिल्ड्रन दिया है, 4 सन्स हैं, और उसकी वाइफ है जिसका नाम है क्रिश्चियना, वो भी नहीं दिया ऑप्शन में, क्रिश्चियना, क्रिश्चियन की वाइफ क्रिश्चियना, एंड हर 4 सन्स, एंड दे गो फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू साल्वेशन। यहाँ पर जो साल्वेशन लिखा है वहां पर सर्कल कर देना, साल्वेशन में जो उनका विकेट गेट के थ्रू हो जाते हैं, विकेट गेट, ये एक स्टेजेस है उनकी जर्नी में, स्पेलिंग देख लेना विकेट गेट की, WICET, विकेट गेट की तरफ हो जाते हैं,
इसके अलावा साथियों इसमें क्या है कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये पूछा गया है कई बार, तो मैं इसके साथ साथ भी लिख रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा है. तो द फुल टाइटल ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. ये सब टाइटल है, फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. इन्वर्टेड कॉमा में आएगा सब टाइटल पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिटन बाय जॉन बनियन इन बेडफोर्ड जेल. बेडफोर्ड जेल के स्टे में, जब वो बेडफोर्ड जेल में थे तब उन्होंने इस वर्क को लिखा है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना गया है. ठीक है, फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट class this one. So take from this world to that which is to come, this is the subtitle of Pilgrim's Progress. ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़े तो इसमें जो narrator है second part, Pilgrim's Progress का जो second part है उसका जो narrator है उसका नाम है Mr. Sagacity. This is the name of the narrator of the second part of Pilgrim's Progress जो पूछा गया. Mr. Sagacity is the name of the narrator. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी से वो एक ड्रीम के फॉर्म में मिलता है और ये एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, ड्रीम एलेगरी है. नेट में 100% इससे कुछ बनेगा ही बनेगा आपके. इट्स अ ड्रीम एलेगरी, ड्रीम एलेगरी फॉर्मेट में है और जो कैरेक्टर है उसका नाम जॉन बनियन है. जॉन बनियन एक कैरेक्टर भी है इसमें सेकेंड पार्ट, और वो जो है मिस्टर सैगेसिटी से मिलता है जो कैरेक्टर है. फिर वो क्रिश्चियन की स्टोरी को बताते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको तो अपने ग्रुप्स में देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं फटाफट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्स वाज रिटन बाय पो व्हिच वाज अ रिवेंजफुल सटायर ऑन ऑल लिटरेरी मैन. ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसका सीधा सा आंसर है सटायर ऑन ऑल लिटरेरी मैन. तो इसका आंसर है डुलसी आर्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सटायर, पर्सनल सटायर अगर बात करें तो डुलसी आर्ट लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने. ठीक है, रेप ऑफ द लॉक सटायर नहीं है, एसएल क्रिटिसिज्म में पता है, पोएट्री में क्रिटिसिज्म है, विंडसर फॉरेस्ट की पोएट्री है. तो डुलसी आर्ट का क्लियर लिख लेते हैं, ये अलग अलग बार छपा है. 1728 में फर्स्ट एडिशन आया है, 43 में कंबाइंड एडिशन आया है जिसमें 4 बुक्स हैं. नोट कर लेगा डुलसी आर्ट जो 43 में एडिशन आया है उसमें 4 बुक्स हैं. ठीक है, तो और 1728 में फर्स्ट एडिशन आया डुलसी आर्ट रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप. इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनल सटायर्स ऑफ पोप कहते हैं. ये एग्जाम्स में आएगा ही आएगा क्वेश्चन. और ये किसको सटायर है साथी, ये भी देख लेते फटाफट. नहीं, पहला पार्ट जो है उसका वो है लीव्स थियोबोल्ड के, लीव्स थियोबोल्ड पे है पहले. ठीक है, बाद में कॉलेज सीकर पे अटैक करता है वो 1743 के एडिशन में. ठीक है, राइटर का नाम सटायर ऑन लेविस थियोबोल्ड, अंडरलाइन होगा, हाईलाइट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं साथ में. इसके अलावा इसकी वजह से फिर पोप पे भी बहुत अटैक हुए, हम जानते हैं. तो पोप वाज आल्सो मेड द टारगेट एंड इट सेलिब्रेट्स द गॉडेस ऑफ डलनेस. मैं लिख नहीं रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, सुन लेना, इसको लिखना होगा. इट सेलिब्रेट्स द गॉडेस ऑफ डलनेस, गॉडेस ऑफ डलनेस को सेलिब्रेट करते हुए है किंग ऑफ डूम्स. डूम्स का मतलब क्या होता है, डी यू एल सी, यहीं से इंग्लिश में वर्ड आया डूम्स. इट मीन्स इंफीरियर पोएट, निम्न स्तर का कवि. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथ ही. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. हु अमंग द फॉलोइंग डस नॉट अपलोड साइलेंटली एंड प्रॉब्लम भी करते रहे. मैंने पेपर नहीं दिया है अपनी कॉपी में, मेरे आंसर बताने से पहले खुद से ट्राई करो, तब तो सीख पाओगे. खुद से ट्राई करो, बोलना नहीं है कि कॉपी में आंसर लिख लो फिर. ठीक है, फिर मैं बताऊंगा तो फायदा होगा. तो क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग डस नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्री रेफलाइट ब्रदर्स. पढ़ा हुआ कुछ, इनमें से कौन सा प्री रेफलाइट ब्रदर्स को बिलोंग नहीं करता. तो इजी क्वेश्चन है ये. इसमें डीजी रॉसेटी और डब्ल्यू एम रॉसेटी तो भाई बहन है, भाई भाई है, तो
ये तो थे ही और हंट भी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, जॉर्ज मेरेडिथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपरेटर फोर्थ का आंसर है बी, जॉर्ज मेरेडिथ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड को बिलोंग नहीं करते। ठीक है ना, हाँ उसने पूछा है कौन सा बिलोंग नहीं करता। ठीक है, रोजेटी ब्रदर्स को करते ही थे, और इसका कोड क्या बताया था, PRB है ना, हाँ तो नहीं MRH, मिलाइट रोजेटी हंट, ऐसे याद कराया था, तो हंट यहाँ आ ही गया, तो अब मेरेडिथ इसका आंसर हो गया, तो डज नॉट बिलोंग। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। फिफ्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ट्राई करो अपनी कॉपी में, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है, तभी तो बड़े पेपर निकालोगे कॉपी में। इन विच ईयर वॉज किपलिंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, हम सबने किया है, 1907 किपलिंग वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, इट वॉज इन द ईयर 1907। किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग का लाइफ स्पैन लिख लेते हैं साथ ही, रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग का लाइफ स्पैन आप लोगों के लिए रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सब लेकर आया हूँ। 1865 में किपलिंग भी पैदा हुए हैं, 65 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है याद रखना, टैगोर से लेकर सारे बड़े बड़े राइटर्स 65 में 1865 में पैदा हुए। 1865 से 1936 तक किपलिंग का लाइफ स्पैन है, और किपलिंग इज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इज द फर्स्ट इंग्लिशमैन एंड ही रिसीव्ड इट इन 1907। एंड द फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ किपलिंग वाज He wrote many books, we know that, but Jungle Book को जरूर नोट कर लेना। The Jungle Book 1894 में लिखी गई थी, ये किपलिंग का फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस माना जाता है। ठीक है, किपलिंग वर्क एज अ जर्नलिस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्क एज अ यू कैन से वर्क एज अ बर्मीज आर्मी, मेनी प्लेसेस ही वर्क किपलिंग। सो वन मोर थिंग अबाउट किपलिंग इज दैट Kipling was born in India. That's a very important point. Can anyone tell me the offline class? Which place? Yes, Bombay, correct. Now known as Mumbai. So Kipling was born at Bombay, earlier called as Bombay. So that's another point. Those who do not know, they can write. Okay. So let's move on to question number six, guys. Question number six. Who is the author of the Wheels of Chance? इस क्वेश्चन पे टिक कर दो, ट्रिपल स्टार ले लो। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन था जिसे हम कह सकते हैं, और आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं जरूर पेपर में, इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट। इस क्वेश्चन को सबसे डिफिकल्ट कहूंगा मैं अभी तक के जितने क्वेश्चन थे, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं था, इवन मैंने भी नहीं पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन वो देंगे ही देंगे, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट सबने करना था, और फिर देख लेते जिन्होंने दिया था उनका अटेम्प्ट सही ठीक है कि नहीं। तो उसका आंसर है, सिक्स का आंसर है सी, एचजी वेल्स। वर्क का नाम लिख लेंगे सारे बच्चे अपनी कॉपी में, द व्हील्स ऑफ चांस, द व्हील्स ऑफ चांस बाय एचजी वेल्स। इस वर्क पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी जल्दी से, सारे बच्चे मेरे साथ, द व्हील्स ऑफ चांस एचजी वेल्स का वन ऑफ द फर्स्ट अर्लियर कॉमिक नॉवल है ये। क्या है ये, कॉमिक नॉवल है, एचजी वेल्स ने लिखा है। कब आया है नॉवल, 1896 में आया है, 1896 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूँ साथी, फटाफट मेरे साथ, इट्स एन अर्ली कॉमिक नॉवल, अर्ली कॉमिक नॉवल। ठीक है, द व्हील्स ऑफ चांस एंड इट्स बेस्ड ऑन अगस्त 1895 साइकिलिंग हॉलीडे। यहाँ पर जो व्हील्स है इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू साइकिलिंग हॉलीडे, बाइसिकल आइडियल भी कहा गया है इसको, आइडियल। किसी को पता है क्लास में आइडियल का मतलब, ये वाले आईडी वाई डबल एल बनाया था, आइडियल आइडियल रूरल पोएट्री, पेस्टोरल सॉन्ग। तो बाइसिकल आइडियल मतलब जो इसका हीरो है वो बाइसिकल चला रहा है, बाइसिकल चलाते चलाते उस पर उसका एक नाम बड़ा खूबसूरत सा, बाइसिकल आइडियल, इसका एक सरनेम या सब टाइटल तो नहीं कहूंगा मैं, इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं कि व्हील्स रैपर किसको करता है, बाइसिकल को, और आइडल का मतलब पेस्टोरल पोएट्री। एक एक वर्ड आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सुनना आपको, क्योंकि क्या है आपको बहुत चीजें मिलेंगी। अब ये अर्ली कॉमिक नॉवल जो है ये 1896 में आया है, ठीक है, इट इज सिमिलर टू, ये क्वेश्चन बाद में भी बनेगा कि कौन से कॉमिक नॉवल से सिमिलर था ये,
या कौन से कॉमिक नॉवल की इसने नींव रखी। तो आप लोगों को पता होगा मैंने एक बार चर्चा करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, थ्री मैन इन अ बोट, क्या है। हाँ, इसको जो है एनसीईआरटी में लग रहा है ये, थ्री मैन इन अ बोट, उनका टूरिंग हॉलिडे है, रिवर थेम्स में जा रहे हैं, तीन दोस्त हैं, उनके साथ एक कुत्ता भी है, ठीक है। हाँ, और उनकी जर्नी एक्सपेडिशन को दिखाया, थ्री मैन इन अ बोट किसने लिखा है, कोई याद कर रहा है, किसी को याद है राइटर का नाम, थ्री मैन इन अ बोट का। ऑनलाइन वाले भी चैट बॉक्स में डालो भाई, थ्री मैन इन अ बोट, जेरो के जेरो। जेरोम के जेरोम नोट लो, रियल जेरोम के जेरो, एक्स है, एक्स आर ओ एम, अनफेमिलियर ऑथर है, बस एक दो बार ही आएंगे, मगर ये वक्त पूछा जाएगा। थ्री मैन इन अ बोट को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरस नॉवल ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 में लिखा गया है, फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरस नॉवल ऑफ 20th सेंचुरी। नाइनटीन हंड्रेड में लिखा गया है, फर्स्ट ग्रेट नॉवल ऑफ 20th, ह्यूमरस नॉवल ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 में लिखा गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, द व्हील्स ऑफ चांस ज्यादा फेमस वर्क क्यों हुआ, क्योंकि इस पर एक फिर साइलेंट फिल्म बनी 1922 में। द वर्क बिकेम ह्यूजली पॉपुलर बिकॉज अ साइलेंट फिल्म ऑन इट वाज मेड इन द ईयर 1922, साइलेंट फिल्म बनी, ठीक है, हैरल्ड एम शॉ ने बनाई वो, तो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी चलिए नेट वालों के लिए ठीक है, लिख लेंगे, हैरल्ड एम शॉ। साइलेंट फिल्म डायलॉग्स नहीं होते थे जैसे चार्ली चैप्लिन। इंडिया की पहले सबसे साइलेंट फिल्म कौन सी है, आलम आर उसी स्टाइल, उसी स्टाइल में साइलेंट फिल्म है ना, तो साइलेंट फिल्म टाइटल नहीं है इस मूवी का, साइलेंट फिल्म जॉनर है, और टाइटल यही था, व्हील्स ऑफ चांस, किसने बनाई, हैरल्ड एंड शॉ, इससे ये नॉवल और पॉपुलर हुआ और पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा सब का लिखा था, तो आप लोग इसको अपने पढ़ सकते हैं, जो लोग भी कुछ शौकीन है कि खासकर ट्रैवलिंग और उस पर बाइसिकल के थ्रू उसने अपनी जर्नी को बताया और खूबसूरत मैंने इसको प्लॉट करवा दिया। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। क्वेश्चन 7 में जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, सब लोग इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन 7 प्लीज मार्क कर लेना, रॉन्ग है इसमें, आप लोग कोटेशन तो लिखो या अपनी कॉपी, ये एक्चुअली गोलरिज का है, गोलरिज ने लिखा है ये लाइंस ना, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइट वाइट्स, अलोन अलोन ऑल अलोन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखे सारे बच्चे, ऑन अ वाइड वाइड्स, किस तरह का थीम आ रहा है इसमें, मतलब एलिट्रेशन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ क्या होगा बताओ, एलिट्रेशन तो है ही, हाँ वोवेल साउंड, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है, वर्ड भी रिपीट हो रहा है ना उसको ले कुछ कहते हैं, पूरा वर्ड जब रिपीट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिफ्रेन तो जब लाइन रिपीट होती है बार बार, एनाफोरा, एनाफोरा भी है, एलिट्रेशन भी है, नोट कर लेना सभी चीजें आई है, एलिट्रेशन भी है, एनाफोरा भी है, एनाफोरा और एलिट्रेशन में सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे स्पेशली, एलिट्रेशन तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, ठीक है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है ना, अब वैसे तो ये तो वोवल साउंड हो रहा है इसमें, जैसे आप कह सकते हैं एल का साउंड हो रहा है, इसका कॉन्सोनेंट साउंड, पर एनाफोरा क्या होता है, साउंड नहीं, पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए, नोट करो, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए तो उसको एनाफोरा कहते हैं, ये डिफरेंस नोट कर लो सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लाइन पर आ रहा हूं मैं, ये एक्चुअली राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ली गई,
कोल्ड ड्रिंक की लाइन है, ये ऑप्शन में है ही नहीं है, इसके ऑप्शंस गलत। हाँ जी एसटी कोल्ड ड्रिंक से नहीं, टाइम ऑफ द नेशन पर आए। एसटी कोल्डवेज के राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स है, ठीक है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, थोड़ा कुछ नई चीजें लेकर आ रहा हूँ, सारी क्लास अलर्ट रहेगी। बीए से लेकर एमए से लेकर नेट से लेकर एलटी सभी जगह ये पूरा पूछी गई। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट बैले ऑफ रोमांटिक एज, फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैले भी कहते हैं। इसके अलावा क्या बोला मैंने? ग्रेटेस्ट बैले ऑफ रोमांटिक एज, बहुत बड़ा टाइटल दे दिया। ग्रेटेस्ट बैले ऑफ रोमांटिक एज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, फाइव स्टार्स की तरफ पूछते हैं यहाँ पर आप, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और कब इंक्लूड की है ग्रेटेस्ट बैले, कहाँ पर पहली बार छपा? 1798 लिरिकल बैले की ओपनिंग पोएम है, लिरिकल बैले की ओपनिंग पोएम है, जो हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं, मैनिफेस्टो माना जाता है, वर्ड्सवर्थ कोलरिज वाला, ठीक है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को ग्रेटेस्ट बैले ऑफ, सिर्फ कोलरिज नहीं कह रहा हूँ, रोमांटिक एज कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पूरी क्लास मेरे साथ यहाँ पर रहेगी। इसमें क्या है कि ये एनोनिमसली छपा था, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में कोलरिज ने अपना नाम नहीं दिया था, तो ये क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा कि कोलरिज ने इस पोएम को कम से कम कितनी बार रिवाइज किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कोलरिज ने इस पोएम को 18 डिफरेंट वर्जन लिखे हैं, कितने वर्जन लिखे हैं? 18। तो वो इस पोएम को बार बार रिवाइज करते रहे, सेकेंड एडिशन में भी रिवाइज करा थोड़ा सा, और हर बार कभी स्पेलिंग चेंज कर दी, कभी उन्होंने इसमें कुछ डाला, 18 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये किसने? खुद ही कोलरिज ने, कोलरिज की आदत थी, वो अपनी पोएम को क्या करते थे? एडिट करते थे। तो इस पोएम के 18 डिफरेंट वर्जन है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पहले कौन सा वर्जन है जब उन्होंने इसको अपने नाम के साथ छापा, तो ये आएगा 1812 वर्जन, जो है दिस वॉज द फर्स्ट वर्जन वेयर कोलरिज पब्लिश दिस पोएम विद हिज नेम। सेकेंड पॉइंट आ गया, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स आते रही थे, इसके बाद से बहुत उसकी सीक्वेंस नहीं लिखा रहा, लेकिन 1812 वाले वर्जन में ही पब्लिश्ड इट विद हिज नेम, मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिख लेना। इन द 1812 वर्जन कोलरिज पब्लिश्ड दिस पोएम विद हिज नेम, पहली बार उन्होंने अपना नाम दिया इस कविता कविता में, नहीं तो वो एनोनिमसली छाप रहे थे, एनोनिमसली आपको बताया विदाउट, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है। जो ये वर्जन था जिसमें इन्होंने नाम में छापा, इसमें इन्होंने ये हो गया, ठीक है। अब लिखो फिर एक लाइन लिखो, इन द लास्ट वर्जन ऑफ दिस पॉइंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, इन द लास्ट वर्जन ऑफ दिस पोएम कोलरिज पब्लिश्ड इट इन 1834, कोलरिज पब्लिश्ड इट इन 1834, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का लास्ट वर्जन कब आया? 1834, 1834 द ईयर ऑफ हिज डेथ, इसी साल कोलरिज की डेथ हुई है, 1834 द ईयर ऑफ हिज डेथ ब्रैकेट हेयर ही पब्लिश्ड, इसी के बाद फुल स्टॉप, हेयर ही पब्लिश्ड अ न्यू लैटिन एपिग्राफ, इसको हमें एक लैटिन एपिग्राफ जोड़ा उन्होंने, एंड
58 ग्लॉसेस, ये वर्ड आ गया 58, तो ठीक है, ग्लॉसेस, GLOSSES, ग्लॉसेस को अंडरलाइन करना, ग्लॉसेस का मतलब होता है GLOSSES, ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन जो पोएट अपने देता है उसको कहते हैं ग्लॉसेस, ग्लॉसरी से बन गया ग्लॉसेस। 58 ग्लॉसेस और एक लैटिन एपिग्राफ इन्होंने जोड़ा था, ग्लॉसेस जो वर्ड के ऊपर नंबर देना है। हाँ करेक्ट, वही ग्लॉसरी टाइप, और वो लाइंस के बीच में भी आ जाते हैं ग्लॉसेस या पेज के साइड में भी आ जाते हैं, जिसको मार्जिनेलिया भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, फटाफट लिखते हैं, द लैटिन एपिग्राफ, इसी के आगे, द लैटिन एपिग्राफ वॉज बोरोड फ्रॉम, द लैटिन एपिग्राफ वॉज बोरोड फ्रॉम बर्नेट्स वर्क, बर्नेट बर्नेट के रोल से लिया गया था, बर्नेट्स वर्क, ठीक है, रिटन इन 1692, बर्नेट का वर्क बहुत बड़ा सा टाइटल है, लैटिन में नहीं लिख पा रहा, रिटन इन 1692, बर्नेट्स वर्क रिटन इन 1692, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो लिख पा नहीं रहा, मगर लाइन पढ़ दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लेना, बड़ी सी लाइन है, लिखने का चक्कर नहीं है, रिकॉर्डिंग में पॉज करके सुन लेना, लैटिन एपिग्राफ का इंग्लिश मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है, सब लोग सुनेंगे इसका मतलब। इन्होंने लिखा, अब ये समरी मानी जाती है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ने बताया, एक बेस्ट पोएम है ना, पैरानॉर्मल पोएम है, इसमें एक तरीके से मिथ और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो कि कोलरिज का एक स्ट्राइकिंग फीचर है पोएट्री में, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है ना। इसमें एक ओल्ड सेलर है, वो एक जो है एक व्यक्ति है, वो जा रहा है किसकी वेडिंग में, उसको रोकता है गेस्ट को, वेडिंग गेस्ट को रोकता है और कहता है मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। वेडिंग गेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में उसको शादी अटेंड करनी है, लेकिन उसी बीच में उसको रोक के जब वो कहानी सुनाता है तो उतनी दिलचस्प होती है कि उसको सुने बिना नहीं रह पाता और पूरी कहानी वो सुनता है उसकी, ये कहानी के अंदर कहानी, फिर स्टोरी विद इन अ स्टोरी भी है इसमें। तो सारे बच्चे इसका टाइटल सुन लेंगे, लैटिन एपिग्राफ जो है उसका इंग्लिश मीनिंग जो है मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब है, आई राउंडली बिलीव दैट देयर इज मोर इनविजिबल फोर्सेस देन विजिबल फोर्सेस प्रेजेंट इन दिस नेचर एंड यूनिवर्स, मतलब इनविजिबल फोर्सेस को वो ज्यादा बड़ा मानते हैं, वो कहते हैं आई राउंड टू बिलीव दैट देयर आर मोर इनविजिबल फोर्सेस इन दिस नेचर देन द विजिबल फोर्सेस, है ना, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ रहे हैं साथियों, विच इज नोन एज द एज ऑफ रियलिज्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, एजेस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से कर देंगे, तो बताइए क्या कर रहे हैं इसका आंसर, रियलिज्म, यस, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज को एज ऑफ रियलिज्म भी कहा गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको गलत नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया बी, ठीक है, एज ऑफ रियलिज्म विक्टोरियन एज को कहते हैं, और विक्टोरियन एज को एज ऑफ रियलिज्म कहा किसने है ये भी बता दे रहा हूँ, कार्लाइल ने, किसने कहा है, कार्लाइल, कार्लाइल ने इसको एज ऑफ रियलिज्म कहा, अमेरिका में इसको मार्क ट्वेन ने कहा है, और वैसे इसको किसको किसने कहा है, कार्लाइल, कार्लाइल एक स्कॉटिश एसेइस्ट है, ब्रिटिश कह सकता हूँ, हीरो एंड हीरो वर्शिप वाले, कार्लाइल की स्पेलिंग CARLYLE, ठीक है। 11th क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें स्पीड पर आते हैं, विच राइटर अलोंग विद गॉनग्रीव वाज अटैक्ड बाय फ्रीजर इन हिज शॉर्ट व्यू, बताओ, सबको पढ़ा रखा है, सारे क्वेश्चन पढ़े भी आ रहे हैं, वैन ब्रदर, यस, 11th का आंसर है ए, है ना, हमने देखा कि कोलियर ने, जेरेमी कोलियर ने कॉन्ग्रीव और वैन ब्रदर को अटैक किया था अपने वर्क में, जिसका क्या नाम था, शॉर्ट व्यू, ने छोटा सा टाइटल दिया है मगर इस पूरे वर्क का क्या नाम था, शॉर्ट व्यू ऑफ द, लिख लेने सारे बच्चे, इमोरैलिटी, इमोरैलिटी एंड प्रोफेनिटी ऑफ इंग्लिश स्टेट, इमोरैलिटी एंड प्रोफेनिटी ऑफ इंग्लिश स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है गाइस, जेरेमी कोलियर ने इसमें कॉन्ग्रीव ऑन वैनब्रग को A short view of immorality and profanity of English stage. ठीक है, 8 और 9 के आंसर, अरे अच्छा सॉरी भूल गया मैं, ठीक है अभी बता रहा हूँ,
उधर से उधर कूद गया। ठीक है, अभी बता देता हूँ। तो इसको कर लेते हैं पहले, शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरालिटी एंड प्रोफेनिटी ऑफ इंग्लिश स्टेज। ये जो है आपका कब आया है, वह किसी का ईयर याद है इसका? ऑप्शन देता हूँ, 1697 या 1698। आंसर है 1698। 1698 में है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क। इस वर्क की वजह से रेस्टोरेशन ड्रामा खत्म हो गया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया और रेस्टोरेशन ड्रामा पूरी तरीके से खत्म हो गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एंड माना जाता है ये वर्क। इसमें उन्होंने उसको कहा कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स में इमोरालिटी ये है और प्रोफेनिटी मतलब एंटी रिलीजियस बताया था, प्रोफेन का मतलब। ठीक है, तो 11 के बाद मैं दो क्वेश्चन बीच में छोटे उनको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट बिलोंग टू द केल्टिक रिवाइवल। इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो केल्टिक रिवाइवल को नहीं बिलोंग करता है? तो साथियों हमने बताया था ईस्ट और है सिंज भी था इसमें। आंसर है आर्नल्ड पेरेंट। एट का आंसर, अपना आंसर भी लोग निकालते हैं ना, फिर चेक करना कि सही है कि नहीं। एट का आंसर है आर्नल्ड पेरेंट। ये लेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, ये बिलोंग नहीं करते हैं केल्टिक रिवाइवल, नॉट पूछा उससे। केल्टिक रिवाइवल कब आया अपना, पर देख लो, उसको आयरिश रिनेसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आया था विद द फॉर्मेशन ऑफ एबे थिएटर इन द ईयर 1904। बता चुका हूँ मैं ये एबे थिएटर वाला पॉइंट। एबे थिएटर में 1904 में कैल्टिक रिनेसा स्टैब्लिश होता है। आयरिश रिनेसा भी कहते हैं इसको, कैल्टिक रिवाइवल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डेट के साथ बता दे रहा हूँ, आज पे 27 दिसंबर 1904, पूरी डेट नोट कर लो, 27 दिसंबर 1904, एबे थिएटर डबलिन। कहाँ फॉर्म हुआ था? डबलिन आयरलैंड। तो वहां पर इसको हाई पॉइंट माना जाता है कैल्टिक रिवाइवल का। सिर्फ को ग्रेगरी एंड ईट्स दोनों को फाउंडेड थे उसके। और एबे थिएटर इसका जो थीम था वो लिखवा रहा हूँ, लिख लो फटाफट, चेक कर रहा हूँ मैं। एबे थिएटर का थीम बता रहा हूँ, जो स्लोगो या मोटो भी कह सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, टू ब्रिंग टू द स्टेज, टू ब्रिंग टू द स्टेज। मोटो या स्लोगन लिख लेना, मोटो कहते हैं ना, MOTTO, मोटो था एबे थिएटर का, है टू ब्रिंग टू द स्टेज द डीपर इमोशंस ऑफ आयरलैंड। डब्ल्यू की लाइन है फेमस, टू ब्रिंग टू द स्टेज द डीपर इमोशंस ऑफ आयरलैंड। टू ब्रिंग टू द स्टेज द डीपर इमोशंस ऑफ आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ हेमिंगवे शोज द लव स्टोरी बिटवीन एन अमेरिकन लेफ्टिनेंट एंड एन इंग्लिश नर्स? तो आंसर इज फेयरवेल टू आर्म्स, वन ऑफ द अर्ली नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे। फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन, तो आंसर बी हो गया भाई, 9 का आंसर बी। फेयरवेल टू आर्म्स का ईयर नोट कर लो बेटा, 1929। हेमिंगवे का फर्स्ट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी कहा गया इस नॉवल को। इससे पहले हेमिंगवे के नॉवल नहीं चले, तो भी यही नॉवल पहला बेस्ट सेलर बना गया है। अब फेयरवेल टू आर्म्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो अमेरिकन लेफ्टिनेंट है उस कैरेक्टर का नाम लिख लो, फ्रेडरिक हेनरी। ऑफ कोर्स ये हेमिंगवे का ऑल्टर ईगो है, हेमिंगवे खुद भी इस फिल्म में थे। फ्रेडरिक हेनरी ये कैरेक्टर हीरो है इसका, और इसकी जो हीरोइन है इंग्लिश नर्स, उसका नाम है, बहुत फेमस कैरेक्टर से मूवी बनी है, कैथरीन बार्कले। जो हीरोइन है, जो कि नर्स बनी है इसमें, उस कैरेक्टर का नाम है कैथरीन बार्कले। नोट कर लेना, नाम अमेरिकन लेफ्टिनेंट एंड इंग्लिश हीरो है, इंग्लिश नर्स कैथरीन बार्कले, अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ईयर इज 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, 10th 11th में निकल दिया था, देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कैरल का कौन सी एज में लिखा गया, पूछ दिया इसने कौन सी एज में। अब आपको ये पता होगा कि मेंटली कि हमने पढ़ा था कहीं कौन सी एज में, तो इजी क्वेश्चन था, ट्राई करो सब। हाँ, और आंसर्स, हाँ मंजिल क्या किया,
विक्टोरियन एज, विक्टोरियन नोबलिस्ट है ये, लिंग्विस्ट है और मैथमेटिशियन था ये, बताया था ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि रिवीजन की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन बड़े मलाल करते हैं कि यार पढ़े थे इसका। 12th का आंसर हो गया विक्टोरियन एज बेटा, फटाफट इसका आंसर है डी, एलिस इन वंडरलैंड। अब याद रख लेना ये क्वेश्चन फिर से आएगा नेट में, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे के अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। एलिस इन वंडरलैंड 5 स्टार वर्क है ये, क्यों है, कौन बता रहा है मुझे, एलिस इन वंडरलैंड को क्यों, कौन सा पहला वर्क माना गया, हिंट देता हूं मैं, बच्चों से रिलेटेड है ये, फैंटेसी लिटरेचर है, उसमें भी मैंने एक वर्ड बताया था, मैंने अपने लेक्चर में बताया इसके बारे में, एक नए जॉनर को क्रिएट किया ना इसने, अजीब सी दुनिया है, वो एक रैबिट होल के थ्रू अंदर चली जाती है, फैंटेसी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए एक नया वर्ड उन्होंने कॉइन किया है क्रिटिक्स ने, नॉनसेंस जॉनर, नॉनसेंस लिटरेचर पढ़ा रखा है, अब ये गरज नहीं होना चाहिए, इस वर्ड को क्या बोला जाता है, फर्स्ट मेजर नॉनसेंस लिटरेचर, क्योंकि इसमें जो जो स्टोरी है उसका कोई सेंस नहीं है ना, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए लिखा है, तो फैंटेसी भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, फर्स्ट मेजर नॉनसेंस लिटरेचर आ जाता है। नॉनसेंस का मतलब ऐसा नहीं कि बेकार है, नॉनसेंस का मतलब इसका कोई सेंस नहीं, इट डजंट मेक सेंस। इसकी जो हीरोइन है वो क्या है, एलिस है, जो कि कहाँ चली जाती है, एक रैबिट होल है जहाँ रैबिट्स रहते हैं, उसमें वो अंदर चली जाती है उसके, और वहां पर वंडरलैंड मिलता है, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है ना बच्चों के लिए, हाँ एनसीईआरटी में लगती है, हाँ फिर वो वहां पर मशरूम देखती है, वो उल्टे हो गए हुए होते हैं, अब मतलब कहीं ना कहीं है होगा ये बच्चों के, उसमें हमें भी याद आ रहा है, हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, है ना, हाँ उल्टा मशरूम उग जाता है। अब इसमें क्या है ना, एक चीज याद रखना, इसमें एक वर्ड दे रहा हूँ मैं, हम लोग के काम की चीज क्या है कि लेविस कैरोल कौन है, लेविस कैरोल मैंने बताया विक्टोरियन नॉवलिस्ट है और मैथमेटिशियन है, फिर वो आगे पूछ देगा कि कौन सा विक्टोरियन नॉवलिस्ट हमारा मैथमेटिशियन भी था, तो नोट कर लो लेविस कैरोल, और इनका एक्चुअल नेम भी पूछ देगा, एक्चुअल नेम क्या है वो देख लेना, होमवर्क ले लो, लेविस कैरोल का एक्चुअल नेम होमवर्क ले लेना, छोड़ना मत, क्वेश्चन मार्क ले लो वहां, सारे बच्चे होमवर्क पूछूंगा मैं करके, कि लेविस कैरोल का एक्चुअल नेम क्या क्या ना, और क्या बताया मैंने, 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज का मैथमेटिशियन, फिर क्या बताया मैंने, इसको कौन सी बात कह सकते हैं हम, फैंटेसी लिटरेचर। और अब सबसे बड़ी बात, इसका जो सेकेंड पार्ट है मैंने कराया है नेट सॉल्यूशंस में, सेकेंड पार्ट में इसके एलिस इन वंडरलैंड पार्ट टू, उसका कुछ नाम दिया उन्होंने, उसमें एक पोयम है जहां से एक वर्ड, जिस पोयम का टाइटल क्या था, ज़ेबर बोकी, क्या था, ज़ेबर बोकी, वहीं से ये नॉनसेंस वर्ड निकला है। ज़ेबर बोकी एक अजीब किस्म का मॉन्स्ट्रस टाइप का कैरेक्टर है, जिसमें वो अजीब अजीब सी लैंग्वेज बोलता है, तो ये सेकेंड पार्ट में आता है वर्ड ज़ेबर बोकी, लिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आएंगे एचडी लेक्चर में। हाँ वही है ज़ेबर बोकी, नोट करके आगे बढ़ जाओ। एक्चुअली ये एक पोयम है जो कि उस बुक के सेकंड पार्ट में, ज़ेबर बोकी पोयम, ये नॉनसेंस लिटरेचर में आता है, JABBERWOCK, ज़ेबर बोकी नॉनसेंस लिटरेचर, और क्या लिखोगे, AIW पार्ट टू, एलिस इन वंडरलैंड पार्ट टू के में आ गई पोयम। चलो भाई क्वेश्चन 12 हो गए, 13वें क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन है, गुलिवर लिटरेचर, गुलिवर का जो है गुलिवर ट्रैवल्स में थर्ड वॉयज कहाँ पर, थर्ड वॉयज कहाँ पर है, फोर वॉयजेस करता है, तो थर्ड वॉयज है लैपुटा, अ फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 13th का सी, क्वेश्चन नंबर 13 में, लैपुटा इज अ थर्ड वॉयज, गुलिवर ट्रेवल्स, आई थिंक 1726 में लिखा है ना, 1726 में, देखो मैंने कहा था कि गुलिवर ट्रेवल्स से बात आएगा, इसमें टोटल कितनी वॉयजेस हैं, 4 वॉयजेस में ये वो करता है, इसका एक कोड लिखा दे रहा हूँ, आज कोड याद कर दो, ठीक है, कोड है LBLH, LBLH,
LH. बस इसमें याद हो जाएगा, बार बार दिमाग में लगाना आएगा क्वेश्चन इससे पक्का, ठीक है ना। ऐसे लव बिटवीन लूसी एंड हेनरी, मैंने तो ऐसे लव बिटवीन लूसी एंड हेनरी, लूसी इवेंट बना दी, हेनरी हीरो बना दिया है ना, लव बिटवीन लूसी एंड हेनरी ऐसे करके LBLH या कुछ भी अपना आप बना दो। तो एल क्या है आपका इसमें, लिलीपुट, लैंड ऑफ लिलीपुट, फटाफट नोट करो। बी क्या है इसमें, ड्रॉपिंग नेक, ड्रॉप डिंग नेक, डिंग नेक, ठीक है। एल क्या है जो पूछा है उसने, लैपुटा, यहाँ पर फिलोसफर्स है, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लैपुटा है, हाँ ग्रेट मैथमेटिशियन, सॉरी ऑन हम्स, हाफ हॉर्स हाफ हम्स, ऑन हम्स, ये लास्ट है, ठीक है। लिलीपुट बर्ड निकला, हाइट में जो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर लिलीपुट्स की लैंड है। क्रॉपडिंग नेक, लैंड ऑफ जायंट्स, यहाँ बहुत बड़े बड़े जायंट्स, लैपुटा, हाँ क्रॉपडिंग नेक लैंड ऑफ जायंट्स है, और लैपुटा सुन लो फ्लोटिंग आइलैंड है। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछेगा कि कौन सी जर्नी में उसको फाइव और जर्नीज करनी पड़ी, इन चार जर्नीज में से कौन सी ऐसी जर्नी थी जिसके अंदर जाके फिर वो फाइव और जर्नीज करनी पड़ी, तो लैपुटा ही है, हाँ थर्ड वाली है, उसमें वो अलग अलग जगह जाता है, तो फाइव मोर सब वॉयजेस ऐसे लिखना। अभी गलत नहीं होना चाहिए इसका, क्या लिया सब, किसने लिखा है कुलदीप ट्रैवल्स, जोनाथन फिक्शनल ट्रैवल, इसके अंदर लिखना फाइव मोर सब वॉयजेस, पांच और वॉयजेस करता है। स्पेलिंग नहीं आ रही, कौन सी वाली, ये वाली बी आर ओ बी डी आई एन जी एन एच, रॉब डिंग नैग, ये एक्चुअली उन्होंने नए वर्ड्स कॉइन किए थे, ये वर्ड्स थे ही नहीं, इसको क्या कहते हैं हम, हाँ नियोलॉजी है, नए वर्ड्स कॉइन किए थे, ठीक है। चलो 14th में आते हैं, विच राइटर स्टार, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, 14th में ट्राई करो, कौन से राइटर के स्टाइल को लैम ने बोरो किया था अनकॉन्शियसली, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैस वर्क ही चलेगा, बट द आंसर इज बर्टन इज द आंसर, स्पेलिंग गलत दी है उसकी, बी यू आर होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रिटन लिख दिया उन्होंने, बर्टन का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जो वर्क है उससे इन्होंने बोरो किया था इस स्टाइल को, तो 14th का आंसर सी है, कंफर्म। ये ऐसा क्वेश्चन था जो गलत हो सकता था क्योंकि किसी ने, है ना, लेकिन अभी याद रखना बर्टन से प्रभावित थे चार्ल्स लैम। अब आ गया, कौन से पोएट की वाइफ ने अरोरा ले लिखा है, ये नहीं पूछा अरोरा ले किसने लिखा है, ये पूछा कि कौन से पोएट की वाइफ ने लिखा है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है, किसकी वाइफ है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो आंसर क्या होगा, सी, 15 का आंसर हो गया, 15 का भी आंसर हो गया सी, ब्राउनिंग की वाइफ ने लिखा है, क्या लिखा है भाई, अरोरा ले, फटाफट अरोरा ले पर आया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं, थोड़ा लेंथी सेक्शन है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अरोरा ले 1856 में लिखा हुआ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का नॉवल बनाया गया है, अरोरा ले नॉवल इन वर्स 1856 किसने लिखा, ईवी ब्राउनिंग वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, और कितने पार्ट्स में बेटा, ये 9 पार्ट्स में है, ये सारी चीजें याद रखनी है, अरोरा ले इज अ स्टोरी रिटन इन 9 पार्ट्स, इसको ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया, फटाफट लिखो यार, थोड़ा सा हिम्मत बना के, ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ 19th सेंचुरी किसने कहा, ये भी लिख लो, जॉन रस्किन ने बोला, ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ 19th सेंचुरी, अरोरा ले 9 पार्ट्स में, ठीक
ठीक हो गया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट वर्क है ये, ठीक है। अब आ गया 16, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आता भी नहीं है। सब लोग ट्राई करो साइलेंटली 16 में क्या किया। कह रहा है कि कौन सा ऐसा नॉवल है जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की लाइफ में, अच्छा क्वेश्चन है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट परसों पढ़ाया ना, पहली फेमिनिस्ट थी जो, ठीक है, हाँ, इंडिकेशन वाली, उसकी लाइफ पर पहला किसने नॉवल लिखा है, तो देखो उसका आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है सी, इसका आंसर है एडलेन मॉबरे। पूरी रिसर्च करके आया हूँ मैं, सब बता रहा हूँ आपको। 16 का पता मुझे भी नहीं था, पता मुझे भी नहीं था, तभी तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सर को भी नहीं पता है, इसका मतलब वो पढ़ा हुआ नहीं है ना, बाहर से आया, तब अच्छा क्वेश्चन है। एडलेन मॉबरे, अब ये ऐसा क्वेश्चन है तुक्का मारने वाला था, आया तो आया नहीं तो नहीं आया, ठीक है। अब एडलेन मॉबरे लिखा किसने, कोई एमेलिया ओपी करके राइटर है, एमेलिया ओपी, नोट करते रहो फटाफट, स्पीड यहाँ पर क्लास में इंटेंसिटी में बिल्कुल हाई चाह रहा हूँ आज की। एमेलिया ओपी, AFELIOPIE, एमेलिया ओपी ने लिखा है 1804 में लिखा है, नोट कर लो 1804 में एमेलिया ओपी ने लिखा है। कौन सा नॉवल, एडलेन मॉबरे, किस पर बेस्ड है, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इसका सब टाइटल भी है, और द मदर एंड डॉटर, इसका सब टाइटल नोट कर लो, और द पक्का आ सकता है, और द मदर एंड डॉटर, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और द मदर एंड डॉटर, ठीक है। चलो तो ये वन लाइनर था, है ना, इसमें हमें मतलब नो ब्रेनर, अगर आपको ये फैक्चुअल याद करना है आगे याद रख लेना। 1804 इसका ईयर, एमेलिया ओपी कौन है, ये माइनर नॉवलिस्ट है 19th century, अर्ली 19th century की, और इस नॉवल का सब टाइटल है मदर एंड डॉटर, ठीक है, क्योंकि मदर डॉटर पर रिलेशनशिप पर बेस्ड है ये। 17th में आपने ताबड़तोड़ तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, वैसे तो मैंने पढ़ाया था इनडायरेक्टली, हाँ, तो इसका आंसर है, मैंने ये बताया था कि हेनरी हॉवर्ड ने लिखा था पहला ब्लैंक वर्ड्स ना, इंग्लिश इंग्लिश में पूछ रहा है, तो इसका आंसर एनिड है, हाँ, 17th का ए, हेनरी हॉवर्ड का ट्रांसलेशन ऑफ एनिड इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। इसको 5 स्टार क्वेश्चन कर दीजिए आप, 5 स्टार का मतलब आपको मिस नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 17 का आंसर हो गया गाइस ए, ठीक है, एनिड, AENEID, एनिड, ठीक है, एनिड एक्चुअल में किसने लिखा है, वर्जिल ने, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसने, हम जो फर्स्ट वर्क ऑफ ब्लैंक वर्स कह रहे हैं वो किसने लिखा है, हेनरी हॉवर्ड, क्या किया है एनिड का, जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिख लेना, ट्रांसलेशन किया है बाय हेनरी हॉवर्ड, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, Earl of नहीं सरे सरे Earl of सरे Henry Howard और Earl of सरे, ठीक है, ये हाँ मैं सब लिखा रहा हूँ। तो जो ट्रांसलेशन करके आया है इसका जो ईयर है, पहले जो लिखते हैं रिटर्न कब हुआ है ये, इट वॉज रिटर्न इन 1540, इंग्लिश वाला वर्जन बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश वाला वर्जन है ना, रिटर्न इन 1540 एंड देन पब्लिश्ड इन, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1554 से 1557 के बीच पब्लिश हुआ, 1554 से 1557 के बीच पब्लिश हुआ, इंग्लिश वर्जन, फर्स्ट वर्क इन ब्लैंक वर्स लिख रहे हैं आप, 5 स्टार यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि सर फर्स्ट वर्क ऑफ ब्लैंक वर्स इन पोइट्री है, अगर ड्रामा कहेंगे तो फिर उधर क्रिस्टोफर मार्लो और वो सब आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ ओरिजिनल एनिड पे, ओरिजिनली एनिड किसने लिखा है, वर्जिल ने, ठीक है, कोई इसका लगभग ईयर बता सकता है वर्जिल वाले एनिड का, और कितने पार्ट्स में है, नोट कर लो फिर, 9th, ठीक है, नहीं 29 BC जो वर्जिल ने लिखा है वो कौन से ईयर में लिखा है, 29 BC, कितनी पुरानी बात होगी,
2023 अभी हो गए, उससे भी 19 साल पहले बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने पार्ट्स में है वर्जिल का? 12 बुक्स, सारे जितने भी मिल्टन से लेकर पोप सब ने इस मॉडल को फॉलो किया, वर्जिल का एनेट। और एनेट एनेस नाम के एक योद्धा पर बेस्ड है जो कि ट्रोजन वॉर में हारने के बाद वापस आया, ट्रोजन वॉर जीता था ग्रीक्स ने, ठीक है। और उसके बाद इसको वापस आया ये, और इसने किसको, इसको आज के कौन से शहर का संस्थापक माना जाता है? जो ग्रीक गॉड है यानी ये जो रोमन गॉड है, ये रोमन है ना कैरेक्टर, ये याद रखना, ये कौन सा कैरेक्टर, रोमन है ये, तो इनको माना जाता है द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डे रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न डे रोम है, रोम नहीं कहते हम, इटली कैपिटल, वो इस इन्होंने बसाई है, ऐसी कीर्तनती है, ऐसी एक प्रथा मानी जाती है। तो इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे रोम। उसका कुछ और नाम था पहले, वहां नहीं जा रहा हूँ मैं, वहां से वापस आके इसने, एनएस का स्पेलिंग है AENEAS, ठीक है, एनएस ने लिखा, एनएस ने बसाया शहर को, लिखा तो वर्जिल ने। चलिए चमन नहल ने लिखा है, अनफेमिलियर ऑथर है, और जो है ना, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, फाइव स्टार है, कहाँ जीरो स्टार है, तो आपको बता दू, लेकिन ऐसा तुक्का आई या 18 का आंसर है ए। चमन नहल जो है कौन है, इंडियन नॉवलिस्ट है 20th सेंचुरी का। चमन नहल का एक माइनर वर्क पूछा है माई टू फेसेस, फिर भी पूछा है तो मैंने इस पे बता दिया आपको, 78 में नॉवल लिखा है, लेकिन चमन नहल का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है गाइस वो लिख लेगा, राइटर का नाम है चमन नहल, आजादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, आजादी इनका मेजर नॉवल है, इसके थ्रू मैं आपको ये बता, चमन नहल का आजादी, ये इंडिपेंडेंट पार्टीशन बेस्ड नॉवल, पार्टीशन बेस्ड नॉवल, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर ए था, मैंने बताया 18 का ए हो गया, ट्रू फेसेस चमन नहल। 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ओवर सोल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिकन लिटरेचर से, एक फेमस ऐसे है द ओवर सोल, किसने लिखा होगा, कौन बता रहे भाई, महाशंकर भाई क्या किया इसमें, हाँ कंफ्यूजन हुआ, बात करो ही दोनों ही बड़े दिक्कत है, किसने लिखा है इन दोनों में, जहां भी डाउट हो इन दोनों में तो इमर्सन, इमर्सन करके आ जाना है ना, ठीक है, द ओवर सोल, अब जिसने जो किया होगा, लेकिन आंसर क्या है, इमर्सन ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बोला इट्स अ फॉर्म ऑफ एसे, इट्स अ फेमस मेटाफिजिकल एसे, डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, द ओवर सोल, इमर्सन को किसका फादर बोला जाता है, ट्रांसेंडेंटलिज्म, अमेरिका, इमर्सन ने लिखा है, कब लिखा है ये नोट कर लो फटाफट, 1841 1841 में ये ऐसे लिखा गया, भूलना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ओल्ड एज से पूछा है, इनने पूछा है कि विच स्कॉलर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड रोट द बुक लाइव्स ऑफ द एबट्स, ठीक है, तो बीडे, बीडे इसका आंसर है, या बीट जो भी बोले हम, 20 का आंसर हो गया सी गाइस, 20 का सी, बीडे को क्या बोला जाता है, और हाँ वेनरेबल बीट और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरी, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरी, तो 20 का आंसर हो गया सी, इन्होंने लिखा था फादर ऑफ एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री का भी ना, करके लिखा था, बिल्कुल वही बेस्ट एंग्लो सैक्सन एज के हैं। एबट का मतलब बता रहा हूँ, नोट कर लो अपनी कॉपी में, एबट का मतलब पता है किसी को क्लास में, नहीं पता होगा नोट करो, हेड ऑफ अ मंक, जो मंक्स होते हैं उनका हेड होता है उसको क्या, हिंदी में महंत या मठाधीश, हेड ऑफ अ मंक, एबट का मतलब क्या होता है, मंक, MONK, मंक का हेड, मंक्स जितने भी भिक्षु होते हैं उनका जो हेड होता है उसको एबट बोलते हैं, ठीक है, तो रिलीजियस वर्क हो गया,
क्या हो गया रिलीजियस वर्क। 21 में आते हैं, व्हाट इज ट्रुथ सेड जेस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। ये बहुत ही फेमस बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है, ऑफ ट्रुथ ब्रेकन का ऐसे है। उसने लेकिन ये पूछा है कि कौन सी बाइबल की बुक से लिया है ब्रेकन ने। यहाँ पर जस्ट वर्ड नीचे जस्ट आगे जस्ट नहीं है जेस्ट है, ये टाइपिंग एरर भी है। जेस्ट का मतलब क्या होता है, JEST जेस्ट मीन्स वो जिस्ट है, जेस्ट मीन्स ह्यूमर, ह्यूमर कॉमिक। क्या होता है इसकी स्पेलिंग, नहीं ये नहीं होता स्पेलिंग, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, JEST। ये देखो ये वाला जेस्ट, जेस्ट का मतलब मजाक, ये वाला जो हमारा यहाँ पर आया है उसका मतलब होता है मजाक, ठीक है। इसका प्रॉपर मीनिंग वही अम्यूजमेंट, हाँ भाई एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जेस्ट का मतलब एंटरटेनमेंट है ना। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं कि एक्चुअली सेंट जॉन के गॉस्पेल से लिया गया है। 21 का आंसर है डी। गॉस्पेल का मतलब क्या होता है, गॉस्पेल बाइबल में वर्ड आता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, गॉस्पेल ऑफ दिस स्टोरी लाइफ उपदेश, सेंट्स नहीं सेंट्स, सेंट्स हाँ यू कैन से स्पेशली बाय बाय अ सेंट, सेइंग्स बाय अ सेंट, हिंदी में सरल शब्द में उपदेश होते हैं, डिस्कोर्स, हाँ ठीक है। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन 21 का डी। 22 में आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द न्यू टेस्टामेंट। 27 लिखवाया था क्लास में, अच्छा क्या है फिर, नहीं इसमें तो सेंट जॉन नहीं आ रहा है, ये हुए थे जॉन, ऑप्शन में भी जॉन लिखा ही है, नहीं नहीं वो अलग है, वो अलग है, ये हाँ वो अलग है, हाँ ये सेंट जॉन, हाँ ये JOHN जॉन है, वो सेंट जॉन है, JOHN वो तो फीमेल थी, करेक्ट ठीक है, जॉन ऑफ आर्क है वो। 23 में आते हैं, 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बेल ऑफ लोनलीनेस। थोड़ा सा मैं ब्रेक दे दूंगा मगर इंटेंसिटी कम नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे, 35 क्वेश्चन के बाद ब्रेक दूंगा तो ठीक है। 23 में आता हूँ, द बेल ऑफ लोनलीनेस नोट करेंगे सारे साथी, 3 स्टार पूछ रहे हैं। देखो इस नॉवल को क्या कहा गया है ना, फर्स्ट लेस्बियन नॉवल कहा गया है, इसीलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कुछ। द वेल ऑफ लोनलीनेस किसने लिखा था ये, इसके बारे में ऑप्शन पूछा है इसमें, तो मैंने अपनी क्लास में एक दो बार पहले नेट की क्लास पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप नोट कर लो। द वेल ऑफ लोनलीनेस लिखा है रेडक्लिफ हॉल में, ठीक है, यानी कि आंसर रेडी 23 का आंसर है, नोट कर लेना और इसमें नोट कर लेना, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1928 में आया है रेडक्लिफ हॉल का द वेल ऑफ लोनलीनेस, ठीक है डी आंसर है। और क्या बोला मैंने इसको, फर्स्ट लेस्बियन नॉवल, फर्स्ट लेस्बियन नॉवल, इसकी जो हीरोइन है उसका नाम नोट कर, द वेल ऑफ लोनलीनेस में जो कैरेक्टर है मेन हीरोइन स्टीफन गॉर्डन, GORDON स्टीफन गॉर्डन ये हीरोइन है इसकी। और क्या बोला मैंने, फर्स्ट लेस्बियन नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द वेल ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, रिटन बाय रेडक्लिफ हॉल, ठीक है। 24 ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्विन शैल मीट, व्हिच वे ऑफ पेडलिंग डज दिस लाइन अकर, द वैली ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, वहीं से निकला है ये। तो 24 में सीधा सा आंसर हो गया, ठीक है, किसने लिखा है ये, कितने ने लिखा है और कब आई है पोयम, 1889 में, ये नोट कर लेना, 1889 में ये एक पहले है, ठीक है। 25 में आ जाते हैं, 25 अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सिल्वर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर आप लोग की प्रतिक्रिया चाहेंगे, सब लोग बताएं 25 वाले थोड़ा सोच के, कौन सा सिल्वर पॉइंट नहीं है, 3 होंगे,
आंसर है वेरी गुड स्पेंसर। स्पेंसर नहीं था वो, हाँ वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से नहीं आते थे और वो सिल्वर पोएट्स की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, तो 25 का आंसर हो गया सी। अब इसमें लिख लो सिल्वर पोएट्स की लिस्ट भी लेकर आया हूं, उसमें जितने हैं उतने एक साथ ही लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन बार-बार हमें दिक्कत नहीं हो। ढूंढ के लाए हैं सिल्वर पोएट्स, एरिस्टोक्रेटिक पोएट्स ऑफ 16th सेंचुरी हैं। इसके नेम्स लिख लेते हैं, कौन कौन है, एक तो व्याट है, फिर सरे है ये हम जानते हैं, फिर सिडनी हो गया तीन, ठीक है, फिर सिडनी की बहन का नाम भी लिख, सिडनी की बहन मैरी सिडनी वो भी आएगी, ठीक है, मैरी सिडनी के घर ही सिडनी और इन लोग बैठा करते थे ना, मैंने बताया था इनकी घर पे बहुत फेमस, ये बहुत बड़ी पैटर्नेस है मैरी सिडनी। और इसके बाद फिर लास्ट नेम है सर जॉन डेविस। सर जॉन डेविस नेट वालों को पूछा जाएगा क्योंकि अनफेमिलियर होता है ना, मतलब याद नहीं। कितने हो गए काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, बस ये पांच से बाहर नहीं आएंगे, पांच सिल्वर बॉल्स। हाँ वोल्ट रिले भी आएगा सब, छह वोल्ट है, कोई नहीं, वोल्ट रेड जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें वो भी सिल्वर बॉल्स है, छह हो गए। सिल्वर पोएट्स का मतलब लिख दो, एरिस्टोक्रेटिक कोर्ट पोएट्स। सिल्वर का मतलब है पैसे से, मतलब है एरिस्टोक्रेटिक चांदी, एरिस्टोक्रेटिक कोर्ट COURT, एरिस्टोक्रेटिक कोर्ट पोएट्स ऑफ 16th सेंचुरी। हाँ उस तरीके की बात, रिच फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक कोर्ट पोएट्स ऑफ 16th सेंचुरी। सिल्वर पोएट्स 26 में Who were the editors? कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का हेमेंटिस है कॉन्टेल। तो यानी कि 26 का आंसर हो गया सी। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया, 1623 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार शेक्सपियर से आता ही है, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर 1623 में आया बेटा, उसमें किस किस ने लिखा, हेमेंटिस है कॉन्टेल इसके एडिटर थे। कितने प्लेस थे इसमें टोटल, कितने प्लेस हुआ है, 37। हाँ एक को छोड़ दिया था ना, एरिका रेडिकल, 37 प्लेस थे जिसको उन्होंने करा था। ठीक है, Who wrote the anxiety और anxiety criticism वालों के लिए आ गया क्वेश्चन, राइट, नेट वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। anxiety और anxiety criticism आने लग गया हैरल्ड ब्लूम, अमेरिकन क्रिटिक। इस टर्म को होमवर्क ले लो, नेट वाले स्पेशल एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है इसका मतलब, इसको चर्चा रहेगी बाद में। हैरल्ड ब्लूम, तो 26, 27 का आंसर हो गया आपका बी, 27 का आंसर हो गया बी। और ये वर्क कब आया था, 1973 में आया था, ठीक है, 1973 में आया था द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, मैंने क्या बोला, अमेरिकन क्रिटिक, अमेरिकन क्रिटिक। ठीक है, उसके बाद फिर अगला बोल देते हैं, अमेरिकन फेमिनिस्ट फिलोसफर और जेंडर थ्योरिस्ट से कौन है, कौन होगी, साइमन दे बोवार फ्रेंच है, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट इंग्लिश है, जूलिया क्रिस्टीवा बुल्गेरियन फ्रेंच है, तो कौन बची, जूडिथ बटलर, क्वीन थियरी वाली जेंडर ट्रबल। एक ही वर्क आया है इनका, बार बार बता रहा हूँ। 28 का आंसर सी, जूडिथ बटलर, अमेरिकन फेमिनिस्ट, एंड मैंने क्या बोला एक वर्ड के लिए, और इन्होंने वर्क क्या इनका वर्क क्या, जेंडर ट्रबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इस वर्क के अंदर हमने टर्म दिया गाइस, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा ही जा रहा है लगभग बार बार, और वो है परफॉर्मेटिविटी, परफॉर्मेटिविटी ये आएगा आपको, परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, ये टर्म नोट कर लेना भाई, बस पांच परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं गाइस, 29 Who coined the term critical theory?
ये भी थ्योरी में अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछा है मैक्स फॉर गिवन 29 का आंसर होगा ए। क्रिटिकल थ्योरी का पॉइंट क्या है, मैक्स फॉर गिवन कोई मुझे बता रहा है थोड़ा सा, क्रिटिसिज्म की क्लास किसने ली थी नेट का, तो कौन सी थ्योरी से आते हैं मैक्स फॉर गिवन, फॉर गिवन एंड एडॉर्नो ने करके लिखा था हमने शाम को नेट की क्लास में पढ़ा रहा था क्रिटिसिज्म की, तो 29 का मैक्स फॉर गिवन ये नाम है, लिखो फिर इनके बारे में जर्मन केमिस्ट है और ये आते हैं, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल या फ्रैंकफर्ट स्कूल, प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल या फ्रैंकफर्ट स्कूल, ट्राई करो गलती तो होगा कोई बात नहीं, गलत होने से नहीं डरना है, फ्रैंकफर्ट लिटरेरी स्कूल, फ्रैंकफर्ट इज इन जर्मनी, प्राग कहाँ पर है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है तो फ्रैंकफर्ट अब नोट कर लेना इसको, फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं, आई थिंक यहाँ से वोल्टर बेंजामिन वगैरह भी है, ठीक है और कहाँ गए इनकी गांधी का नाम नोट कर लेना, चलो 35 क्वेश्चन से करा रहा हूँ आज, ठीक है मगर ये 35 सॉलिड हो जाने चाहिए, जितना एक्सप्रेशन के बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, ठीक है तो मैंने क्या बोला क्रिटिकल थ्योरी टाइम किसने किया, हॉर्किमन, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ रहे हैं, कल्चरल स्टडीज से क्वेश्चन आ गया हमारा, कल्चर एंड सोसाइटी को किसने लिखा, तो साथियों रेमंड विलियम्स ने लिखा है, ये 30 का आंसर है डी, रेमंड विलियम्स, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है रेमंड विलियम्स, तो 30 का आंसर हो गया डी, ठीक है रेमंड विलियम्स, कौन सी थ्योरी कौन सा टॉपिक बराबर नोट करो, कल्चर स्टडीज, रेमंड विलियम्स कल्चर स्टडीज से लिया गया है टॉपिक, और रेमंड विलियम्स कौन सी कंट्री से आते हैं, ब्रिटेन में भी, ही इज नॉट अ इंग्लिशमैन, ही इज अ वेल्श पुडिंग, ही कम्स फ्रॉम वेल्स, ही इज ब्लैक एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ ब्लैक्स, कल्चर एंड सोसाइटी 1958 इसका ईयर है, 1958 में वो लिखा था कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है क्वेश्चन 31, Who wrote the play Lear, a rewriting of Shakespeare's Aeneid? Yes, Gaunt is the name. Edward Gaunt. यहाँ पर Edward Gaunt है, ठीक है James Bond नहीं है, but फिर भी Gaunt से याद रहेगा। Ruskin Bond, Edward Gaunt, James Bond सभी Gaunt हैं, ठीक है 31 का आंसर है C. Gaunt का ये जो Lear play है ये आया था guys 1971 में आया है। और ये रीटेलिंग ऑफ किंग लियर है, ये थ्री एक्ट प्ले है, थ्री एक्ट प्ले है ये, ठीक है और ये सैटायर ऑन, जो लिखवा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, सैटायर ऑन लेफ्टिस्ट रिजीम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ऑफ 1970s में जो लेफ्टिस्ट रिजीम वामपंथी सरकार थी 1970 के दशक में इंग्लैंड की या ब्रिटेन की, उस पर याद है। अब देखना इसमें 70s में याद रख लेना इंडिया में चल रही थी इंदिरा गांधी, 70s में कौन चल रही थी इंडिया में इंदिरा गांधी, तो अब जो है उसी तरह की लेडी ब्रिटेन में कौन थी जिसको आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन कहा गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रही है 1970s में पूरा रही है, ठीक है उनके नाम पर इंदिरा गांधी को कहा गया कि शी इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ, तो मार्गरेट थैचर, क्या नाम था मार्गरेट थैचराइट गवर्नमेंट, थैचराइट वर्ड दी लव्स, वामपंथी सरकार की किसकी थी मार्गरेट थैचर की थी, इनको आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है गाइस, इस सारे क्वेश्चंस का एक के अंदर चार मिल रहे हैं आपको, मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नोन एज आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन, और मार्गरेट थैचर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है दूसरे का नोट कर लेना, और इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी लेफ्टिस्ट वामपंथी कम्युनिस्ट थी, उस समय कम्युनिस्ट जो है इकोनॉमी चली थी उस पर सटायर है लियर में, जो इसमें जो इसका जो लियर है वो क्या है एक पैरानॉइड ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेट व्हाट डू यू मीन बाय पैरानॉइड, एसेंट्रिक एसेंट्रिक सन की जिसके दिमाग की हिल गई था पैरानॉइड,
तो पैरानॉइड एक तरीके से पागल सन की किस्म का राजा है जो एक बाउंड्री बना देता है अपने और उसी में रहता है। फिर कैसे उसमें, तो जैसे एक्चुअल किंग लियर में याद होगा कॉर्डिलिया अच्छी कैरेक्टर, इसमें कॉर्डिलिया बुरी, तो ये एक तरीके से सटायर है शेक्सपियर के ऊपर, ठीक है। और इसमें कॉर्डिलिया खुद ही कैरेक्टर, लियर भी एक अच्छा कैरेक्टर, ठीक है। चलो चार क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा सा अटेंशन आ गया। 32 को मैं सीधा 5 स्टार दे दूंगा नेट मार्क। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इन 35 क्वेश्चंस मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो सकता है, तो मैं 32 वाले को बोलूंगा नेट के लिए। द ट्रेन स्पॉटिंग, पिछले 4 साल की रिसर्च में मैंने ये पाया कि ये नॉवल पूछ ही रहा है, और ये कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट है, हम लोगों को कम पता है इसके बारे में। तो लिखते हैं ट्रेन स्पॉटिंग है इरविन वेल्च, पहली बात तो इसका आंसर है इरविन वेल्च, 32 का आंसर है बी, और ये एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट है। नोट करेंगे साथियों, इसको जो मूवी बनी है वो इस नॉवल से ज्यादा फेमस है, ट्रेन स्पॉटिंग। और किसने लिखा है, बोला इरविन वेल्च, जो कि कहाँ का है, स्कॉटलैंड के हैं, और कब आया है नॉवल, 1993 में आया है। The novel came out in the year 1993. It's a story of a group of young teenagers who were heroin addicts. Main point है। हाँ, heroin जो नशा करते हैं, heroin। क्या बोला है? Story of a group of heroin. H-E-R-O-I-N. इसकी spelling क्या होती है? ये मत बता दें, नहीं तो वो heroin addicts। ठीक है? Heroin addicts. आपको पता है टाइप ऑफ ड्रग होता है, तो इट्स अ स्टोरी ऑफ ग्रुप ऑफ हेरोइन एडिक्ट्स, कैसे इनकी लाइफ चेंज हो जाती है एक बार। और ट्रेन स्पॉटिंग एक्चुअली वहां पर एक कल्चर था, ये लोग स्कॉटलैंड के गांव होते हैं, वहां पे जब ट्रेन आती थी तो ट्रेन को देखते थे कि कब आ रही है ट्रेन, उसका टाइम क्या है, उसको ट्रेन स्पॉटिंग करना कहते थे, मतलब टाइम पास, स्पेशली फॉर ड्रग एडिक्ट्स, दे यूज्ड टू बी देयर एंड दे यूज्ड टू इन द विलेज, विलेज में ट्रेन आना बड़ी बात है, तो वहां से ट्रेन जा रही है और अपना हीरो एडिक्ट्स हैं ये सारे, तो उन पर है। ये एडिनबरा की कहानी, एडिनबरा स्कॉटलैंड की फेमस सिटी, एडिनबरा स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, एडिनबरा की इंग्लिश आई एन बी यू आर आई एच पढ़ा जाता है, एडिनबरा लिखा जाता है एडिनबरा, ठीक है। चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का था इस पे इरविन वेल्च की नॉवल पूछा जा रहा है, इसको कंटेम्पररी क्लासिक बोला गया, इसमें जो मूवी बनी है उसने इस नॉवल को और फेमस कर दिया है, ठीक है। तो ये भी लिख देना कि भूमि सेम सेम नहीं, वेरी फेमस है, ठीक है, हॉलीवुड क्लासिक मानी गई है। उसके बाद 33 वन लाइनर है कि मर्केंटाइल एफेक्ट किसको कहा जाता है, मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है गाइस, किसको बोलना है, ट्रेड, यस वेरी गुड। तो ट्रेड से रिलेटेड कौन सा एफेक्ट है, ये है ओडेसी नाम, ओडेसी इतना डेकामेरॉन में दो स्टोरीज है, ट्रेड से रिलेटेड जो एफेक्ट है, सेलर कर रहा है ना, सेल कर रहा है जर्नी, यस तो ट्रेड भी हो रहा है उसको ओडेसी में, तो आंसर है ओडेसी रिटन बाय होमर, ठीक है। हाँ, होमर का इलियड और ओडेसी, तो 33 का आंसर क्या हो गया गाइस, कि अब मर्केंटाइल का मतलब लिख दिया सबने, ट्रेड करना, व्यापार करना, मर्केंटाइल ऐसे। अब आते हैं 34 में, कौन इंट्रोड्यूस द बहुत ही फेमस कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर है डाउन कैरेक्टर, किसने किया है, ई एम फ्रॉस्ट। तो 34 का आंसर हो गया सी, ईएम फॉस्टर। कौन से वर्क में किया गया है, एस्पेक्ट सर्वेंट में किया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको खाली बस बता दे रहा हूं,
है? इस क्वेश्चन से इसी में एक क्वेश्चन और हाँ 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 इससे बन रहा था। इसको आंसर है जी 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 35 का आंसर है जॉन गार ए ही कन्फेशियो अमेंटिस। कब आया कन्फेशियो अमेंटिस? 1390 में। हाँ वो आया है बाद में 85 में। कन्फेशियो अमेंटिस हाँ मिडिल इंग्लिश है, इंग्लिश ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा कन्फेशियो अमेंटिस है। क्या चीज कौन सा? हाँ बॉक्स क्लेमेंटिस ये लैटिन में है। नहीं 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 यही है कन्फेशियो अमेंटिस है वो। हाँ कन्फेशियो अमेंटिस।